नमस्ते फ्रेंड्स, आर्ट एंड टैरो में आपका स्वागत है। सन के साथ हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। इनफैक्ट हमें ये कहना चाहिए, सन है तो हम हैं, सन नहीं है तो हम भी नहीं हैं। सूरज के साथ ही हम उगते हैं और सूरज के साथ ही हम अस्त हो जाते हैं। पुराने ज़माने में सन के बारे में कहा जाता था कि सन जो है पृथ्वी के आसपास चक्कर काटता है, लेकिन आज हमें पता है कि पृथ्वी जो है वो सन के आसपास चक्कर काटती है। सन अपनी जगह पे फिक्स है, सन स्टेशनरी। सन एक ऐसा आग का गोला है जो आपको लाइफ तो देता ही है और जीने का मोटिवेशन भी देता है। उसी की वजह से जो है आप अपना दिन शुरू कर पाते हैं। इनफैक्ट लाइफ इज जस्ट बिकॉज ऑफ द सन। इसलिए हमने सन को जो है गॉड के साथ एसोशिएट किया। तो आज जिस कार्ड के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है द कार्ड ऑफ द सन। सो कार्ड ऑफ द सन में जाने से पहले इसके कीवर्ड्स देखेंगे। कार्ड ऑफ द सन के कीवर्ड्स हैं एनलाइटनमेंट, सक्सेस, सेंटर, लाइट, क्लैरिटी, वार्म्थ, पॉजिटिविटी, वाइटलिटी, रेडियंस, एबंडेंस, स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले इसकी न्यूमरोलॉजी से शुरू करते हैं। कार्ड का जो नंबर हम देखते हैं वो है 19 को जोड़ लीजिए, 1 + 9 = 10। 10 जो कार्ड है वो है द व्हील ऑफ फॉर्चून का। और थोड़ा और आगे जाएंगे, 1 + 0 = 1 एंड विच इज़ द कार्ड ऑफ द मैजिशियन। तो ये सब जो है कहीं ना कहीं क्वालिटीज़ जो हैं वो कहीं ना कहीं सन के साथ जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है। कि सन के अंदर एक तो चारों एलिमेंट्स आ जाते हैं मैजिशियन के, और द व्हील ऑफ फॉर्चून इज ऑल्सो शोन एट द सेम टाइम, विच मीन्स इट इज लाइक द ऑल द प्लैनेट्स, एवरीथिंग इज मूविंग अराउंड द सन। सो डेफिनेटली सन इज समथिंग, इट इज इट सो डेफिनेटली सन इज लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एवरीथिंग इन आर लाइफ। बहुत सारे कल्चर्स में जो है सन को जो है पिता कहा गया है और मून को जो है माता कहा गया है। और अगर सन और मून को कंपेयर करें तो सन जो है अपनी जगह से हिलता भी नहीं है, मून जो है उसके डिफरेंट डिफरेंट साइकिल्स हैं, वो मूव करता रहता है। द एलिमेंट ऑफ द सन इज फायर एंड इट्स ऑल्सो नोन एज द कार्ड ऑफ जॉय एंड सिंप्लिसिटी। अपने आप में बहुत सिंपल कार्ड है। एक अगर आप कार्ड की एनर्जी देखें तो उसमें एक बहुत एक ब्यूटीफुल एक एनर्जी जो है शो करती है। कार्ड की एनर्जी सिंपली आपको बोल रही है सक्सेस, समथिंग इज फ्लावरिंग, एवरीथिंग इज इल्यूमिनेटिंग, एवरीथिंग इज रेडिएटिंग, थिंग्स आर जस्ट गोइंग लाइक स्प्रेडिंग, थिंग्स आर जस्ट ब्यूटिफुल। दैट्स वॉट इज शोन इन द कार्ड ऑफ द सन। सो इट इज अ कार्ड विच शोज द सन इज शाइनिंग एंड द लाइफ इज वंडरफुल। अगर हम बहुत एक सिंपल मीनिंग अगर इसके कार्ड में जाएँ तो इट्स अ वेरी वंडरफुल काइंड ऑफ अ सिचुएशन विच इज शोन, लाइक एवरीथिंग इज ब्यूटिफुल, एवरीथिंग इज हैप्पी। और ये और जो सन कार्ड है वो ये भी इंडिकेट करता है कि एक आपका जो है पुराना, जहाँ से आप जो एक पीरियड है जो कि एक सौरों का पीरियड है, जो कि एक दुख का पीरियड है, आप वहाँ से जो है पीछे से आए हैं और उसके बाद जो है आपको गिफ्ट मिला है द कार्ड ऑफ द सन का। द कार्ड ऑफ सन गिव्स यू लाइफ, गिव्स यू अ न्यू वे ऑफ लिविंग, इट गिव्स यू अ न्यू चांस। आप नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करते हैं और उसमें दोबारा से देखते हैं कि उसमें एक लाइफ आ गई है। सन इंडिकेट करता है वो एनर्जी जो हमें ज़िंदा रखती है। और अगर हम देखें तो दिस इज़, जब भी ये कार्ड आ रहा है आपकी रीडिंग में तो वो सिंपली ये शो कर रहा है कि लाइक यू आर समवन हु इज़ हैविंग लॉट ऑफ एनर्जी। आपके पास इतनी ऊर्जा है इस वक्त कि आप जो भी करना चाहें, जो भी अपने रिज़ल्ट अपनी लाइफ में लाना चाहें वो आप ला सकते हैं। आपके पास ऊर्जा जो है वो अवेलेबल है सन की। अगर हम एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सन इज़ ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट। अगर आप जब भी हम कुंडली निकालते हैं, जब भी हम कुंडली देखते हैं, हम सन को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। सो इट शोज एक्टिविटी, एक्साइटमेंट एंड ऑप्टिमिज्म। अगर हम सिंपल एक रीडिंग देखें तो सिंपल रीडिंग के अंदर जो है इट जस्ट मीन्स अ वेरी सिंपल अप्रोच टूवर्ड्स अ सिचुएशन। इट बेसिकली जस्ट सेज यू नो दैट यू नो द बेसिक प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइड एंड यू आर काइंड ऑफ मेकिंग अ वेरी क्लियर डिसीजन अबाउट इट एंड यू आर टेकिंग एक्शन। सो सन इज काइंड ऑफ इंस्पायरिंग यू टू डू दैट। और यही नहीं, सन आपकी जो है सेक्शुअल एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है। इट्स बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी द लाइफ एग्जिस्ट।
इट्स बिकॉज ऑफ द सन विच मेक्स थिंग्स अलाइव. आप देख सकते हैं जहाँ पे सन नहीं है वहाँ पे जो है एक तरह की डेडनेस है, वहाँ पे एक तरह की हाइबरनेशन है. इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द सन एवरीथिंग कम्स टू अलाइव, यू नो, एवरीथिंग इज ब्यूटिफुल. सो हैविंग अ सन इन आर लाइफ इज अ ब्लेसिंग, एंड दैट इज वाई आई फील, यू नो, लाइक बींग इन इंडिया इज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल, बिकॉज द सन इज लाइक पार्ट ऑफ आर लाइफ. इट्स लाइक सो मच पार्ट ऑफ आर लाइफ, एंड वी कांट इमेजिन आर लाइफ विदाउट द सन. क्योंकि आप जब आप कंपेयर करेंगे बाहर की यूरोप की लाइफ या अमेरिकन लाइफ, दे हैव डेवलप्ड अ लाइफस्टाइल वेयर दे आर लिविंग विदाउट द सन. एंड ऑफकोर्स वो वहाँ का इन्वायरमेंट भी है, वहाँ की मजबूरी भी है जिसके कारण उनको रहना पड़ता है, लेकिन जैसे ही उनको मौका मिलता है, इंडिया इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस एंड दे जस्ट कम फॉर द सन. मोस्टली द वेस्टर्नर्स, यू नो, दे आर कमिंग हेयर इन इंडिया जस्ट बिकॉज ऑफ द सन. एंड हेयर इन इंडिया इट इज़ लाइक अ गिफ्ट टू अस. सो सन इज एन इमेज ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड फुलफिलमेंट. जो हम बच्चे को जो है इसमें खेलते हुए देखते हैं जॉयफुली, वो रिप्रेजेंट करता है, इट्स लाइक हैप्पीनेस ऑफ आर इनर स्पिरिट. और उसके जो नेकेड जो वो है, वो नेकेड सिंपली यही बताता है कि लाइक देर इज़ नथिंग टू हाइड, देर इज इनोसेंस एंड प्योरिटी. और अगर हम हॉर्स को देखें तो वो रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ और प्योरिटी ऑफ स्ट्रेंथ को. और अगर हम हॉर्स को देखें तो वो रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ को और प्योरिटी ऑफ स्पिरिट को. और अगर रेड बैनर को देखें तो वो रिप्रेजेंट करता है एक्शन को, लाइफ को और एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस. और पीछे अगर हम देखें तो जो है इसमें चार सनफ्लावर्स शो करते हैं, और ये चांस और ये जो चार सनफ्लावर्स हैं ये खिले हुए फ्लावर्स हैं. ये खिले हुए फ्लावर्स जो हैं डिनोट करते हैं चार एलिमेंट्स को और चार सूट्स को. कौन से हैं वो चार सूट्स? वो हैं स्वॉर्ड्स, कप्स, वॉन्ड्स एंड पेंटिकल्स. तो जब भी सन आपकी रीडिंग में आ रहा है, एक तो आपको हम ये कह सकते हैं कि देर इज समथिंग वेरी पॉजिटिव विच इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ, दैट देर इज़ अ ब्लेसिंग ऑफ यूनिवर्स विच इज़ हैपनिंग, एंड इट ऑल्सो शोज लाइक पीपल आर ड्रॉन टू विथ यू. जस्ट लाइक सन, वेन यू हैव द सन सिटिंग इन साइड ऑफ यू, यू विल सी वेरी नेचुरली, यू नो, पीपल विल गेट अट्रैक्टेड टू यू, दे वुड वॉन्ट टू कम नियर यू, दे वुड वॉन्ट टू नो यू, दे विल फील सम काइंड ऑफ अ वॉर्म्थ. एंड दैट इज़ वाई सन इज लाइक सो एसेंशियल, so beautiful, and it also shows like you share some highest qualities and achievement with others jab aapke andar sun ki qualities aati hain. Aur saath mein ye bhi show karta hai ki that you radiate what you are and what you stand for, kyunki sun aapko jo hai wo strength de deta hai, sun aapko jo hai wo aisi himmat de deta hai ki aap jo bhi hain jaise bhi hain uske liye jo hai you stand very strong. And that is why the confidence is a key element when the sun element is there in your sun sign, in your life. So eventually, जब हम sun की बात करते हैं तो it is saying yes to life. It brings you luck, it brings you wellness, it brings you positive consciousness, it brings you enthusiasm, it brings you attainment, it brings you success. I mean, the qualities are infinite. You can keep on counting it, but the blessings are like unlimited when it comes to sun. Aur agar hum career ki baat kare to it's just basically, I don't have to say much, it shows a very good career, it shows a very good a path which is lit with the sunlight, jisme jo hai aapke upar jo hai ek blessing show karti hai, like whatever you will start, whether it's a job, whether it's a business or whatever, it shows a presence of a blessing. और अगर हम बात करें रिलेशनशिप की तो बेसिकली ऑफकोर्स इट शोज़ अ वेरी गुड रिलेशनशिप. इट कैन ऑल्सो मीन, यू नो, गेटिंग मैरिड टू द पर्सन यू लव और गेटिंग मैरिड इवन इफ इट्स एन अरेंज थिंग. एंड इट ऑल्सो शोज़ दैट इफ अ कपल इज़ प्लानिंग अ चाइल्ड, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल इंडिकेशन दैट इट शोज़ दैट अ चाइल्ड इज़ ऑल्सो कमिंग. यू नो, द प्रेगनेंसी इज़ ऑल्सो शोन थ्रू द कार्ड ऑफ द सन, बिकॉज सन, यू नो, गिव्स लाइफ. It makes alive the seed which is inside of us. तो सन के बारे में जो है जितनी भी हम बात करें वो कम है, क्योंकि इट्स ऑल, यू नो, बींग पॉजिटिव. और सन के इतने नाम भी हैं. हम अपने इंडिया में कितने बच्चों का नाम जो है उनका जो नाम है वो सन के ऊपर बेस्ड होता है. अंग्रेजी भाषा में सन का मतलब जो होता है बेटा भी होता है. तो जब भी सन आपकी रीडिंग में आ रहा है, इट इज़ ब्रिंगिंग यू गुड लक, इट इज़ ब्रिंगिंग यू बेस्ट विशेज, इट इज़ ब्रिंगिंग यू लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स.
So this was my reading for you for the card of the sun. एंड ऑफकोर्स जाते जाते एक कोट जो कि सन के लिए मेरे पास है. बुल्ले शाह कहते हैं, द सन हैज सेट, इट्स फ्लश ओनली इज लेफ्ट. आई विल गिव माई लाइफ फॉर अ ग्लिम्स ऑफ यू. माई फॉल्ट, आई केम नॉट वेन यू बेड. योर लव हैज मेड मी डांस लाइक मैड. बुल्ले शाह कहते हैं, आपकी एक सन की एक झलक, एक किरण के लिए जो है मैं पागल हूँ. उसके लिए मैं दिन रात जो है मैं नाच सकता हूँ उसको मनाने के लिए, क्योंकि मैं उसके करीब होना चाहता हूँ. हालांकि बुल्ले शाह जो है परमात्मा के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन सन क्या परमात्मा से कम है? इज द गॉड इट सेल्फ. दैट्स वाई वी कॉल द सन इज द गॉड इट सेल्फ, यू नो. सो विद दिस आई एंड माई रीडिंग एंड आई विश दिस सन ऑल्सो शाइन्स इन योर लाइफ एंड ब्रिंग्स यू लव एंड हैप्पीनेस एंड लाइट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. नमस्ते.